हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी आज की वीडियो में। एमिवेव मंटाई का न्यू रैप सॉन्ग थैंक्स टू गॉड 8 घंटों में ही 1 मिलियन व्यूज तक पहुंच गया था। लोगों को ये गाना बहुत पसंद आ रहा है। इस सॉन्ग के लिरिक्स दिल को छू जाने वाले हैं। एमिवे ने जिस स्टाइल में रैप किया है वो एक बार तो गूसबम्स दे ही देता है। जनता इस सॉन्ग से काफी रिलेट कर पा रही है। एमिवे ने कहा है कि इस बार वो कोई सॉन्ग नहीं, एक कहानी सुनाने आए हैं। इस सॉन्ग के जरिए एमिवे अपने इमोशंस शेयर कर रहे हैं। जब उनके फादर बहुत बीमार थे और हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, एमिवे ने अपने लिरिक्स में कहा है कि कभी कभी हम ऐसी सिचुएशन से काफी कुछ सीख जाते हैं। आने वाले पलों का क्या पता, जो भी टाइम है हमें खुश रहना चाहिए, और जो भी होता है जिंदगी में उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। दे से एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। एमिवे ने कहा कि पब्लिक को सैड या दुखी करने के लिए ये सॉन्ग नहीं बनाया है, इसीलिए बनाया है ताकि सब लोग समझें कि चाहे कितनी भी परेशानियां आए जिंदगी में, ये हमेशा याद रखना कि खुदा आपके साथ है। हर वक्त ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो अभी आप इंजॉय कीजिए ये सॉन्ग। अब मैं अच्छा कर रहा था, अब्बा का काम हो रहा था ठप, पर वो नहीं हार मानेंगे, वो बदल के रहेंगे किस्मत। फिलहाल जो वक्त था वो काफी सख्त था, पैसे उड़ाने से पहले दे रहा हूँ सदका। मुझे रहना है स्ट्रॉन्ग, ध्यान रखना है सबका, पता भी नहीं चला अचानक से कैसे टपका। परेशानी छोड़ गया निशानी, ये आज गाना नहीं सुनाने आया हूँ कहानी में। सुबह का वक्त था, अब्बा के सर में दर्द था, रात को सोने से पहले उनके दिल में डर था। मम्मी का कॉल आया, सुबह बोली वो जल्दी घर आ, मैं भाग के जाके देखा अब्बा का हालत बिगड़ता जा रहा था। अंदर का दर्द आज चेहरे पे दिखा रहा था, कहाँ पर लेके जाओ कुछ नहीं समझ आ रहा था। ऐसे तैसे करके ले गया उनको अस्पताल, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार, देखा नहीं था उनका ऐसा हाल। लेके गया उनको एम्बुलेंस में बैठ के, पहचान नहीं रहे थे अब्बा मुझे देख के, मैं देखता ही रह गया। काफी दिन से रोया नहीं था लेकिन उस दिन बह गया, मालिक पे तब भी भरोसा था। मैं उनसे कह गया मन ही मन में, मेरे अब्बा को लौटा दो, उनके सपने को पूरा करने को फिर से एक मौका दो। ठीक कैसे करूं मैं उन्हें रास्ता कोई बता दो, अब्बा को बचा लो। ऐसा लग रहा था अब्बा याददाश्त खो दिए, आईसीयू में देख के उन्हें अम्मी भी रो दिए। पर हार नहीं माने हम, पता था वो लौटेंगे, बुरे ख्याल आ रहे थे लेकिन हम रोकेंगे चौकेंगे जब देखेंगे भगवान का करिश्मा। मैं टूट रहा था, मुझे लगने लगा सदमा, पर अन्नू बल्लू भाई सुमित मिंटा शबाना दीदी सब साथ थे। फैमिली वालों ने दिया साथ, बोले खुदा साथ है, साथ है, खुदा मेरे साथ है। जिंदगी ऐसी चीज, दिन कभी रात है, साथ है, साथ है, खुदा मेरे साथ है। जिंदगी ऐसी चीज, दिन कभी रात है, साथ है, साथ है, खुदा मेरे साथ है। जिंदगी ऐसी चीज, दिन कभी रात है, साथ है, साथ है, खुदा सबके साथ है। जिंदगी ऐसी चीज, दिन कभी रात है क्या। अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल प्रेजेस टू अल्लाह, ऑलमाइटी गॉड इज ग्रेट, ही इज द ग्रेटेस्ट। सबके बीच रह के भी अकेलापन सा महसूस था, स्ट्रेस बढ़ने लगा था, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था, पर खोया नहीं मैंने खुद को। शैतान सोच में डालने की कोशिश में है, रुको जब झुको और माता ठेको, खुदा के सामने मदद करेंगे तेरी वो खुदा के सामने। पर जो हुआ है उससे मैंने काफी कुछ सीखा है, खुश रहना सीख ले खुद से क्यों रूठा है। अंदर से टूटा है उतना मजबूत होगा जिंदगी में, ऐसा कभी नहीं बोलना कि जिंदगी है मेरी गंदगी में। जो भी होता है सबके पीछे कुछ ना कुछ है वजह, दुखी था मैं 3 दिन लेकिन आज फिर से मजा आने लगा है। अब्बा पूरे ठीक हो गए, तेरी रजा है, तकलीफों से लड़ के और आगे चला गया मैं। कल टूटा था लेकिन आज बिल्कुल नया मैं लौट आया हूँ तेरे पास, कहा था चला गया मैं। मैं जानता हूँ पब्लिक को सैड नहीं करने के लिए गाना बनाया, मैं ये गाना इसलिए बनाया बिकॉज मैं चाहता हूँ कि सब समझे, चाहे कितनी भी तकलीफ आ जाए परेशानी आ जाए, याद रखो दिमाग में ये बात रखो कि खुदा आपके साथ है। हर वक्त शुक्रिया अदा करो, हर वक्त
वो हाथ नहीं छोड़ेगा, कभी तेरा साथ नहीं छोड़ेगा। प्यार बांटो, खुश रहो। थैंक्स टू गॉड, लाइफ इज गुड। तो आपको कैसा लगा ये सॉन्ग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। शुक्रिया।